हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है यार आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर कैरियर से होंगे, मज़े में होंगे, इन्जॉय करेंगे अपनी लाइफ को। तो वेलकम बैक हो गए जी आप लोग हमारे डेली रूटीन के एक न्यू ब्लॉग के अंदर। सर अभी जो है ना मैंने पट्टे को खोल दिया और मैंने जो है ना सारों को पानी भी डाल दिया, असी लोगों को भी खोल दिया और मुर्गी को भी खोला था बच्चे वालों को, लेकिन जो है ना उसको फिर मैंने वापस बंद कर दिया। वो जो है ना तंग कर रही थी, असील वाले पट्टे हैं उनको मार रही थी। और मैंने ना अभी एक और चीज़ डिसाइड की है ना, इस वाले पट्टे को ना सिर्फ हम इस टाइम खोला करेंगे, शाम को नहीं खोला करेंगे, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है ना वो ना वाइट वाले मुर्गों से ना बांधा होता जा रहा है। ये जैसे ये वाला कलर है ना इनसे जो है ना वो हो रहा है बांधा। बांधा मतलब कि ना वो ना वाइट कलर के मुर्गों से ना डरना शुरू कर रहा है और वो जो है ना फिर भागना शुरू कर देगा लड़ाई के दरमियान। और ये जो है ना एक बहुत बुरी चीज़ है। असील मुर्गा है इसी चीज़ का नाम कि वो मर जाए लेकिन ना लड़ाई के दौरान भागे ना, इसलिए ना अभी इसके सामने इसको नहीं खोलेंगे, क्योंकि ये वाला मुर्गा उसके ना पीछे पड़ जाता है और उसको जो है ना बहुत ज़्यादा मार और वो जो है ना डरना शुरू हो रहा है। और अगर वो अभी इससे डरना शुरू हो गया ठीक है, उसके बाद ये इससे लड़ेगा ही नहीं, या किसी भी वाइट वाला जो मुर्गा है ना वाइट कलर का उससे नहीं लड़ेगा उस। और इसको जब पता चल गया कि लड़ाई में भाग भी सकते हैं तो फिर अगर कोई और मुर्गा भी है इसको मार रहा है और ये मार खा रहा है तो ये जो है ना भागना शुरू कर देगा। और लड़ाई के दरमियान भागना एक अच्छी चीज़, मैंने पहले भी बताया, नहीं होती। ये वाले सारे चूज़े ना मुर्गी से डर के यहाँ पे आए बैठे हैं, वरना इनका कोई वो नहीं है कि यहाँ पे आगे बैठे। अभी हम इन वाले चिक्स को बाहर निकालते हैं, इनका भी मैंने जो है ना पानी चेंज कर लिया और इंक्यूबेटर में जो पड़ा उसको भी जो है ना बाहर निकालते हैं। सारों को तो निकाल दिया, अभी जो है ना बस इंक्यूबेटर के अंदर पड़ा है उसको जो है ना जाके बस निकाल रहे। तो यार अभी जो है ना बच्चा एक और भी निकल आया और एक और निकल भी रहा है, तो अब हमें नहीं पता कि वो वाला पुराना है या ये वाला पुराना। तक मेरा ख्याल है ना ये वाला चीज जो है शिट यार उसने जंप कर दिया नीचे, ये वाला मेरे ख्याल से ना पुराना है, क्योंकि ओए इसकी आंखों पे खून है थोड़ा थोड़ा यार, ये पता नहीं क्या है। इधर इधर भी है थोड़ा थोड़ा शायद से, नहीं पता मुझे क्या है, अंदर तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है। यार दूसरी बार गिर रहा है ये, इसको ले जाते हैं, इसको जो है ना बाहर रखते हैं। नहीं इसको जो है ना मैंने बाहर रख दिया और देखना ये है कि इनमें से कोई इसको मारता तो नहीं है। अभी ना फीड सारों के पास पड़ी है तकरीबन, और अभी जो है ना हम उनको नहीं खोल रहे ये जो सामने वाले हैं ना, क्योंकि अंदर जो है ना कोई चीज़ अंकल सुखा रहे हैं, शायद है जो है ना ये जलाने के काम आती है देहातों में, तो जैसे ही सूख जाएगी या मुझे नहीं पता इसका क्या मकसद है, लेकिन अंकल जाना चाह रहे हैं ये जो है ना मुर्गियाँ इसको खा जाएंगे या ख़राब करेंगे, तो ना इनको अभी नहीं खोल रहे अंकल जो है ना थोड़ी देर में खोल देंगे। हम लोग अभी ना पानी का छिड़काव कर देते हैं और जो है सील फट्टे छोटे वाले और ये वाला इनको बंद करते हैं। अभी ना मैंने यहाँ पे सारा जो है ना पानी मार दिया, थोड़ी देर में जो है ना अंकल उनको खोल देंगे, हम जो है ना असीलों को बंद कर देते हैं। और जो है ना वो दो बर्तन पड़े हैं, एक बैंटम का और एक जो है ना असील वाली मुर्गी का, उसको जो है ना वो करते हैं पानी डालते हैं। और इनके पास भी फीड खत्म है, इनको फीड भी डालनी है अभी। तो यार अभी जो है ना शाम का टाइम होगा, मैं जो है ना फार्म के ऊपर आ गया और शुक्र है कि जो है ना मुर्गियाँ खुले हैं, वरना यार अक्सर जो है ना जब मुझे अंकल कहते हैं ना कि भाई जो है मैं ये काम कर दूँ आपसे ले, तो मुझे डर ही होता है कि पीछे से जो है ना अगर शायद से ये काम ना करूँ। अभी जो है ना ये खुले हैं और मैंने अभी आके ना इनको फीड डाल दिया, और मैंने जैसे ही वाला मुर्गा खोला ना बैंटम का, ये भी खोला, बाकी सारे खुले हुए थे, जैसे ही खोला ना वाइट वाला मुर्गा जो है ना दुम दुबा के पीछे भाग गया, वो इससे जो है ना बहुत ज़्यादा डरता। जब मैं आया हूँ ना यहाँ पे, जब हम लोग सुबह फ्रेश वाला चिक छोड़ के गए थे, वो जो है ना थोड़ा सा सुस्त हुआ पड़ा था, तो वो जो है ना मैंने अभी अभी उठा के वापसी से जो है ना इंक्यूबेटर के अंदर रखा है। उसका यार मुझे ना आँख का नहीं समझ आ रहा, आँख का पता नहीं क्या मसला है, कोई छोटा सा जख्म है और उसकी आँख फुल रेड है। तो क्या कहते हैं वो ना अभी आँख बंद थी, मैंने उंगली से खोली है, वो ना साथ चिपकी हुई थी, तो शायद पानी निकला होगा और खुश्क हो गई होगी। उसके ना अभी इसके भी पॉलीफेक्स लगाते हैं, और इधर जो बैंटम की मुर्गी है इसके तो हम वैसे डेली लगा रहे हैं, इसके भी पॉलीफेक्स क्रीम लगाते हैं। और यार ये जो दोपहर को चिक निकल रहा था ना वही है, और इसको जो है ना लगवाएं, अभी तक जो है ना हम लोग जो दवाइयाँ पड़ी हुई थी सिर्फ वही दे रहे थे और उससे जो है ना पहले ठीक हो जाता था, लेकिन अब जो है ना वो दवाई ख़त्म हो गई है। तो अभी ना मैं जाऊँगा शहद अफतारी के टाइम, तो ना वहाँ से ना दवाई लेता आऊँगा डॉक्टर से, तो जो वो देगा, क्योंकि वो जो है पहले जो पड़ी थी वो तो जाहिर सी बात है हर जगह से नहीं मिलती, वो जो है ना हमें एक यानी कंपनी का जो वो जो भी कहते हैं यार अब मुझे नहीं पता उसका, तो वो दे के जाता था घर, यहीं पे घर कह रहा हूँ फार्म पे ही दे जाता था, लेकिन अब वहाँ से ये वाली नहीं मिलेगी, जो भी डॉक्टर देगा वो ले आएंगे और उम्मीद है इससे जो है ना इसको आराम आ जाएगा। मेन तो जो है ये मल्टीविटामिन की कमी की वजह से होता है, तो विटामिन भी देगा उम्मीद तो ये अभी पड़े हैं, लेकिन वो ना दूसरे हैं पड़े जो बड़ी मुर्गियों के लिए होते हैं ये वाले,
ये वाले, ये जो है ना बड़ों के लिए होते हैं, तो ये जो है ना हम संडे डालता हूँ, और दो दिन जो है ना पानी उनके पास से नहीं हटाता। लेकिन इसको जो है ना ये ना नहीं ख्याल पिलाना चाहिए, बाहर जो भी है डॉक्टर से मशवरा कर लेंगे। इसका ना इस आँख का मसला है, और मुझे नहीं पता ये क्या हुआ है इसको। अभी जो है ना इसके पॉलीफेक्स लगा देते हैं, उसके बाद जो है ना मुर्गी के भी चल के ना पॉलीफेक्स लगाएंगे। ये देखें पता नहीं क्या मसला है यार, ब्लड थोड़ा थोड़ा लग रहा है लेकिन समझ नहीं आ रही है क्या चीज़ है। अभी ना मैंने ना इसके इस आँख पे जो है ना पॉलीफेक्स लगा दिए, पता नहीं शायद नज़र आ रही है कि नहीं। ये देखें यहाँ पे ना मैंने पॉलीफेक्स लगा दिए, इसने आँख भी अभी खोल लिया। अभी चल के बाहर जो वो मुर्गी है ना बेंटर की, उसको पॉलीफेक्स लगाते हैं। और यार ये चिक भी डिस्टर्ब हो रहा है, इसको भी है ना सुझा कर ही देते हैं साथ के साथ। अभी ना इन सारों को जो है ना फीड डाल दिए। और यार एक बात मुझे नहीं समझ आ रही, पहले जो है ना बड़े वाली सारी मुर्गियां अंडे दे रही थी, लेकिन अब जो है ना दो दे रही थी, और आज जो है ना दो अंडे भी नहीं है बिल्कुल ही, आज एक अंडा भी नहीं पड़ा। पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रही, या तो जो है ना ये कहीं और जाके अंडे दे रही हैं, या पता नहीं क्या हिसाब है, कोई अंडा भी नहीं पड़ा यहाँ पर। इन्हें सारों का पानी निकाल दिया, बस जो है ना इनको बंद करना है। अभी इनको बंद करते हैं, उसके बाद कोई इसका अंडा उठाना है। और यार इसके अंडे ना मैं अब इंक्यूबेटर में ही रख रहा, क्योंकि संडे को हमने ना इसके नीचे बत्तख के अंडे रखे थे, तो 7 दिन बाद यानी एक हफ्ते बाद अगले संडे जो अब संडे आएगा ना, इसके नीचे बाकी भी अंडे रख देंगे, तो जो है ना कंबल सेट बैलेंस हो जाएगा। बत्तख के अंडे और जो है मुर्गी के अंडे, इन दोनों में से बच्चे ना साथ साथ ही निकलेंगे, यानी आगे पीछे कोई हिसाब नहीं होगा। तो अगर बत्तख के अंडे ख़राब भी हो गए, क्योंकि हमने बाहर से लिए हुए तो हमें कोई नहीं पता ख़राब होंगे या सही होंगे, अगर ख़राब भी हो गए तो ना मुर्गी के बच्चे होंगे, इसका कूड़ा ज़ाया नहीं होगा। तो यार अभी जो है ना मैंने उन सारों को जो है ना बंद कर दिया, और इसका ना अंडा उठा के इसकी भी जो है ना कुंडी बसा दिया। यहाँ पे जो है ना मैं करते हैं अपना व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ना आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबा दें, ताकि जो है नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक इसी तरह पहुँचते रहें। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।